संभल में एडीओ पंचायत की तैनाती के बाद से खड़ा हुआ हंगामा। दो दिन से 70 ग्राम पंचायतों का विकास कार्य हुआ ठप। गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एडीओ की तैनाती से हताश होकर कर्मचारी बैठे धरने पर। प्रदर्शनकारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। जिला प्रशासन ने साधी चुप्पी। एडीए पंचायत को बताया ब्लैकमेलर। वीर सिंह, किस बात को लेकर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं, गुरदयाल सिंह है, ज्यादातर ब्लैकमेल हमें लोग करते हैं। अगर हम कहते हैं सीधे 15% नहीं दोगे तो कार्य नहीं करोगे। 15% मांगते हैं कमीशन। अच्छा, और नहीं दोगे तो नोटिस जारी कर देंगे, आपको कार्य नहीं कर दूंगा। और बाहर से कर्मचारी बुला के बैठा देते हैं यहाँ पे। बाहर के आदमी का क्या मतलब उनके साथ में आने का? यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो बहुत बढ़िया हमारे साथ में यहाँ पे अच्छा काम करवा रहे हैं। और जब से लेके हारून जी आए हमारे ब्लॉक ने विकास बहुत किया। तो उनका विरोध कर रहे हैं आप? हाँ जी, तब तक विरोध रहेगा जब तक वो नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे हमें अपनी आत्महत्या करनी पड़ जाए। जनपद संभल के असमौली विकास खंड में प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह की तैनाती सूचना मिलने के बाद से सैकड़ों ग्राम प्रधान व विकास खंड के सैकड़ों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह पर पूर्व में भी जिले में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पूर्व में भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते गुरदयाल सिंह को बनियाखेड़ा विकासखंड व असमौली विकासखंड व पवासा विकासखंड से हटाया जा चुका है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर इस बार सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गंभीर आरोप लगे होने के बाद भी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पलीता फेर दिया गया है। मेरा नाम जिशान अहमद है और मैं प्रधानपति हूं मंसूरपुर माफी का। देखिए सर, मैं जैसा कि हमारे विकासखंड असमोली के अंदर ये हमारे ग्राम प्रधान और सचिव लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय से मेरा ये मेरा अनुरोध है और उनसे विनम्र निवेदन मेरा ये है कि जैसा कि यहाँ पर रिपोस्टिंग श्री गुरुदयाल सिंह की गई है, जो एडीओ प्रभारी हैं वो विकासखंड असमोली में, वो पहले भी यहाँ पर तैनात रहे हैं और उन पर प्रधानों से, सेक्रेटरियों से और अधिकतर प्रधानों से वो ज़बरदस्ती अवैध वसूली करने का प्रयास करते थे और उन्होंने प्रयास किया है और अवैध वसूली भी प्रधानों से की है। तो यहाँ पर जितने प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं विकासखंड असमोली में, उनका भय प्रधानों के अंदर बना हुआ है और सभी प्रधान और सचिव और खासकर पूरा स्टाफ विकासखंड असमोली का वो चाहता है कि उनकी यहाँ पर रिपोस्टिंग ना की जाए। और मेरा सभी प्रधानों की तरफ से और सचिव साहब की तरफ से ये अनुरोध जिलाधिकारी महोदय से है कि वो हमारा अनुरोध और ये हमारी अपील मानते हुए वो उनको यहाँ रिपोस्टिंग ना करें। और जो यहाँ पर वर्तमान में श्री हारून अली जो यहाँ पर मौजूद हैं, एडीओ पंचायत जो हैं, उनको यहाँ पर रहने दिया जाए और हमारी इस अपील को स्वीकार किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्यासा भी पानी मांगता है, अगर यहाँ हमारी अपील नहीं स्वीकार की जाएगी तो हम यहाँ से लखनऊ तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं लगातार दो दिन से असमौली विकासखंड के कार्य बहिष्कार जारी है। कर्मचारियों ने एडीओ पंचायत के स्थानांतरण को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। सभी कर्मचारियों व ग्राम प्रधानों ने प्रभारी एडीओ के साथ कार्य करने से साफ इनकार कर दिया है। ये बताइए, मेरा नाम शकील अहमद। किस गांव के? अशरफपुर के ग्राम प्रधान। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पूरे कर्मचारी के साथ में आप बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, किस बात को लेकर? मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आपसे पूर्व में ये गुरुदयाल जी एडीओ पंचायत इस ब्लॉक में रहे थे, उन्होंने सब प्रधानों का और कर्मचारियों का यहाँ आनकर शोषण करा था। अब मुझे पता लगा कि दोबारा वो ब्लॉक आ रहे हैं, मैं उनके विरोध में यहाँ कार्यालय आया हूँ। किस तरीके का शोषण करते थे, क्या मामला? शोषण करते हैं वो, आईसीएस में रिश्वत लेते हैं, रिश्वत मांगते हैं। कौन देता है रिश्वत? रिश्वत तो आईस में मजबूरी में देते हैं वो, कहते हैं कि आईसीएस में कि मैं तुम्हें फंसवा दूंगा। आपने दिए? गमन कर वो करवा दूंगा। आपने एक बार रिश्वत दी उनको? हम उससे भी मांगी थी रिश्वत तो दी आपने? हाँ दी ही मैंने। तो रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, तो आप भी अपराधी? मजबूरी थी, जेल भेज रहे थे, कह रहे थे जेल भेजूंगा। कितने रुपए लिए आपसे? मुझसे लिए 20,000 रुपए गुरदयाल जी ने। जी, कितने लोगों से यहाँ ब्लॉक में पैसे लिए होंगे? मैं तो बहुत कुछ सुन चुका हूँ आईसीएस में, दर्जनों ग्राम प्रधानों को दिख कर आईसीएस में 200 को और पैसे लिए, एक एक लाख रुपए भी लिए। क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे ब्लॉक में नहीं आने चाहिए यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ का विकास कार्य रुक जाएगा उनके आने से।